हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग होली के त्यौहार पर 10 लाइन्स लिखने जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि आपने ही लिखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। होली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, तो यहाँ पर होली से ही शुरू होगा। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल और भारत का, यानी कि ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हो जाएगा होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और मान लीजिए कि आपको लिखना हो होली भारत का एक लोकप्रिय त्यौहार है, तब आप लिखेंगे होली इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया या होली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी कि आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह पूरे भारत में मनाया जाता है, तो यह पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने आप लोगों को वॉइस बताया है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट होता है, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगता है। तो यह पूरे भारत में मनाया जाता है, यहाँ पर यह है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे इट, और इट के साथ इज लगता है। इट इज सेलिब्रेटेड, हम लोग मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, लेकिन यह मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया। यह रंगों का त्यौहार है, इट से भी शुरू कर सकते हैं, दिस से भी कर सकते हैं। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली प्रत्येक साल पूर्णिमा के दिन फाल्गुन महीना में मनाया जाता है, तो यहां भी देखेंगे कि मनाया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में है, तो यहां पर लिखेंगे होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द पूर्णिमा, यानी कि फुल मून, इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। यहाँ पर एफ भी आप लिख सकते हैं। यह 2 दिनों का त्यौहार होता है, इट इज अ 2 डे फेस्टिवल। पहला दिन हम लोग शाम में होलिका दहन करते हैं ऑन द फर्स्ट डे वी डू होलिका दहन इन द इवनिंग। दूसरे दिन हम लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर होली खेलते हैं ऑन द सेकेंड डे, या आप नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, वी प्ले होली, रंग लगाकर, बाय अप्लाइंग कलर्स एंड गुलाल ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। मान लीजिए 2 से अधिक लोगों के बीच खेलते हैं, तो एक दूसरे के लिए ऑन वन अनदर यूज हो जाएगा। होली बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर होली सब्जेक्ट है, होली यानी कि सिंगुलर नंबर में है।
इसलिए यहाँ पर दर्शाना का सिंबलाइज होगा और यहाँ पर एस लगा देंगे सिंबलाइजेज। यहाँ पर आप जेड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही होता है। होली सिंबलाइजेस बुराई पर अच्छाई की जीत, द विक्ट्री। ओवर इवल, होली सिंबलाइजेस द विक्ट्री ओवर इवल। इसे इविल नहीं पढ़ना है, यह इवल पढ़ा जाता है। होली सिंबलाइजेस द विक्ट्री ओवर इवल। इस दिन स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जाते हैं, तो किए जाते हैं यानी कि पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री। ऑन दिस डे डिलीशियस डिशेस आर प्रिपेयर्ड। ऑन दिस डे डिलीशियस डिशेस आर प्रिपेयर्ड। होली के दिन पूरे भारत में छुट्टी रहती है, देयर इज अ होलीडे ऑन द डे ऑफ होली। ऑल ओवर इंडिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।